दिवाली के पहले रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को लिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 229 करोड़ रुपए की प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस ऐलान से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को भी मंजूरी दी। इसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारतीय भाषाओं पर बहुत बड़ा एक ध्यान दिया है, बहुत बड़ा फोकस किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड द एनडीए गवर्नमेंट हैव ऑलवेज बीन फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द इंडियन लैंग्वेज। अपनी भाषा में हम ग्रंथ करें और अपनी भाषा में एजुकेशन हो, अपनी भाषा में बातचीत में डेली में लाए, हर तरीके से अपनी भाषाओं को, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम, चाहे भोजपुरी, चाहे मैथिली, चाहे उड़िया, असमी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोई भी भाषा हो, अपनी भाषा में हम गर्व करें एंड बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट आर हिज हेरिटेज वॉज, व्हाट आर कल्चर वॉज एंड हाउ डू वी ब्रिंग दैट सेम जो हमारे कल्चर की समृद्धि, उस कल्चर की समृद्धि को आज करें। इससे आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया।